नमस्कार, आप देख रहे हो अब तक, मेरा नाम साबा अजली। इस वक्त बड़ी खबर सेंधवा से आ रही है। सेंधवा के बिजासन चौकी पर चेक पॉइंट लगाया गया था। बता दें आपको, मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसको लेकर मध्य प्रदेश में आचार संहिता लगी हुई है, जिसको लेकर चेक पॉइंट लगाया गया था, जिस पर बड़ी कार्रवाई की गई। बता दें आपको, बड़ी मात्रा में सोना और चांदी मिला है। जी हाँ, एक गाड़ी के अंदर सोना और चांदी मिला है, जिसको लेकर सेंधवा इनकम टैक्स लाया गया था, जहाँ पर तमाम सेंधवा प्रशासन के आला अधिकारी, सेंधवा SDM, सेंधवा तहसीलदार, सेंधवा ग्राम TI और इनकम टैक्स के तमाम बड़े अधिकारियों ने कार्रवाई को अंजाम दिया है। बता दें आपको, एक बड़ी कार्रवाई बड़वानी के सेंधवा के बिजासन घाट पर की गई है। बता दें आपको, एक व्यक्ति सिरपुर से इंदौर की तरफ बड़ी मात्रा में सोना और चांदी ले जाया जा रहा था, जिस दौरान पुलिस ने चेकिंग के दौरान ये कार्रवाई की है। आइए सुनते हैं पूरे मामले में सेंधवा SDM क्या कह रहे हैं। सर, SSP द्वारा एक कार्रवाई की गई, क्या मामला? आगामी निर्वाचन चुनाव के संदर्भ में जो ACI के मार्गदर्शन में SSP टीम लगाई गई थी जांच करने के लिए, या फिर जो भी परिवहन हो रहा है उसकी निरीक्षण करने के लिए, उसके द्वारा पाया गया कि एक व्यापारी लगभग 153 ग्राम चांदी और 994 ग्राम सोना लेके जा रहे थे, जिसका उनके पास कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं था। तो ACI की जो गाइडलाइन है उसके अनुसार उसको जब्त करके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और GST डिपार्टमेंट को सूचना दे दी गई है। कुछ अनुमानित मूल्य इसका आकलन किया गया? हाँ, अनुमानित मूल्य आज के मार्केट रेट के हिसाब से 97 लाख का है। सर, कहाँ से कहाँ ले जा रहे थे, इस संबंध को जानकारी? व्यापारी का बताना ये है कि वे इंदौर के रहने वाले हैं और इंदौर से शेरपुर व्यापार करने गए थे। कुछ परिवार में दुर्घटना की उनको जानकारी मिली थी, तो वो शेरपुर से वापस इंदौर जा रहे थे और बिजासन चौकी पे जो SST लगाई गई थी उसके द्वारा वो पकड़े गए। क्या प्रोसीजर होता सर इसके लिए, लीगल इनलीगल की जांच को लेकर? आज देखिए, जैसे SST टीम को कुछ ऐसा सामान मिलता है तो सबसे पहले वो डॉक्यूमेंटेशन मांगते हैं। यदि व्यापारी कुछ डॉक्यूमेंटेशन नहीं दिखा पाते हैं तो इस सामान को विधिवत सीज करके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और GST को इसकी जानकारी दी जाती है। व्यापारी डिस्ट्रिक्ट ग्रीवांस कमेटी को अपील भी कर सकते हैं, यदि उनको विधिवत परिवहन मिलता है तो इसको रिलीज कर सकते हैं। कितना समय का, क्या नाम है और कहाँ का निवासी है? व्यापारी का नाम अभी मैं डिस्क्लोज करना होता उचित नहीं समझता, क्योंकि जांच चल रही है, पर SI के द्वारा बताया गया है कि इंदौर के निवासी हैं। कितना समय दिया गया है सर व्यापारी को डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट करने के लिए? ये तो अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और GST के उसके एग्जीक्यूशन में, तो वो डिसाइड करेंगे कितना समय, और डिस्ट्रिक्ट ग्रीवांस कमेटी रोज बैठती है तो वो उसको अपील कर सकते हैं। रिटर्निंग अधिकारी होने के नाते कार्रवाई को किस लिहाज से देखते हैं आप? इलेक्शन भी होने वाले हैं, तो सोमवार टीम ने कार्रवाई की है। अभी देखिए, टीम में नायब तहसीलदार शर्मा जी ने वहाँ पे जाके जांच करी थी और उनकी कार्रवाई के कारण यहाँ पता चला कि ऐसा परिवहन हो रहा है। अभी कहना प्रीमेच्योर होगा कि किस तरह से देखते हैं, क्योंकि अभी सिद्ध नहीं हो पाया कि इलेक्शन के लिए परिवहन हो रहा था कि नहीं हो रहा था, परंतु एक बड़ी कार्रवाई निश्चित रूप से है। और अगर इससे कुछ पता चलता है कि व्यापारी द्वारा परिवहन में इनकम टैक्स या GST की चोरी करी जा रही थी, तो शासन का बेशक लाभ होगा।